नमस्कार, गणेशोत्सव विशेष में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ शिवानी। पूजा की सामग्री में चावल यानी अक्षत का काफी महत्व होता है। गणेश चतुर्थी पर लोग पूरे विधि विधान के साथ गणपति बप्पा को अपने घर लाते हैं। घर में गजानन का स्वागत करते समय विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और इस पूजा की सामग्री में चावल का काफी महत्व होता है। जिस समय गणेश जी को घर में लाया जाता है उस दौरान भगवान पर हल्दी या कुमकुम के साथ मिलाकर अक्षत डालकर उनका स्वागत किया जाता है, जिसे खुश और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल यानी अक्षत का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि चावल पांच प्रमुख देवताओं भगवान शिव, शक्ति, श्री राम, श्री कृष्ण और गणेश जी से सकारात्मकता और ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। साथ ही लोगों का ऐसा भी विश्वास है कि सभी देवी देवताओं को साबुत चावल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसीलिए जब भी आप चावल को हल्दी या फिर कुमकुम में मिक्स करें तो बिल्कुल हल्के हाथ से करें ताकि वह बिल्कुल टूटे ना। और वही कहा जाता है कि किसी भी देवी देवता को सादे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। इसी वजह से चावलों को हल्दी या फिर कुमकुम के साथ मिलाकर चढ़ाने का विधान है, जिसे पवित्र माना जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और कहानी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे गणेशोत्सव विशेष सीरीज के साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।